क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन कह रहा है 21 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज लेस देन स्क्वायर बाय 100 द वैल्यू ऑफ द पॉजिटिव नंबर इज। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, हमने उसका स्क्वायर देखा और हमने उसका 21 टाइम्स देखा, तो हमें पता चला कि स्क्वायर माइनस 21 टाइम्स इक्वल टू 100। ओके, तो मान लेता हूं जो नंबर है वो x है, तो स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर और 21 टाइम्स क्या होगा 21 इंटू x माइनस 21x, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 21 इक्वल टू 100। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए, ठीक है, या तो आप सिंपली बेसिक से करिए, मतलब फुल्ली सॉल्व करिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके अपनाऊंगा। ओके, लेफ्ट साइड में करूंगा मैं ऑप्शन से और राइट साइड में बेसिक से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर माइनस 21x इक्वल टू 100, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, x इंटू x माइनस 21 इक्वल टू 100, ठीक है। तो देखिए जो इक्वल टू है उसके अगर लेफ्ट साइड देखो जाए तो हम इसे एल एच एस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड देखा जाए तो उसे बोलते हैं आर एच एस मीन्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन चेक कर जाएंगे तो मैं इतना चेक करना होगा जो क्या आर एच एस इक्वल टू आर एच एस है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है, क्या आर एच एस इक्वल टू आर एच एस है, हमें ऑप्शन के हिसाब से ये चेक करना होगा, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन देखिए, हाँ एक बात और, मैंने यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 21 x इक्वल टू 100 को मैंने x इंटू x माइनस 21 क्यों किया, मैंने इसलिए किया, देखिए जो हमें यहाँ पर सिर्फ दो चीज करनी पड़ेगी, या तो हमें पहले डिफरेंस करना पड़ेगा फिर मल्टीप्लाई, तो डिफरेंस भी बहुत ईजी है, ठीक है, डिफरेंस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ज्यादा ईजी है, और यहाँ पे देखिए हमें पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिफरेंस भी करना पड़ेगा, और जो जो तीनों वैल्यू होंगी बहुत ही बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा और हमारे यहाँ पे टाइम बचेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए, वैल्यू पुट करिए x की वैल्यू 25 और x माइनस 21 मीन 25 इंटू 4, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, अगर 26 इंटू 5, तीसरा ऑप्शन देखिए वो होगा 42 इंटू 21, और चौथा ऑप्शन होगा 41 इंटू 20। आप चेक करिए क्या इन चारों में से कौन सी वैल्यू है, जो कि ये चारों जो वैल्यू है ये हमारी क्या है, यह एल एच एस है, क्या है हमारी, चारों हमारी एल एच एस है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमें देखना अभी जो इनकी वैल्यू आएगी क्या ये आर एच एस को सेटिस्फाई करेगी, मीन लेफ्ट हैंड साइड को, ओके। तो हम देखते हैं 25 इंटू 4 क्या होगा 100, ये कर रही सेटिस्फाई, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब बाकी चेक करोगे इनसे किसी की वैल्यू भी 100 नहीं आएगी, ठीक है, बाकी में से किसी की वैल्यू भी 100 नहीं आएगी, तो हमारा ऑप्शन वन करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं करूंगा बेसिक से, तो जो हमारे पास इक्वेशन से दोबारा लिखता हूं, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 100 इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और जो ये वाला इक्वेशन है इसको मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर हमारे पास इस टाइप में इक्वेशन लिखी हो तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी x मीन्स वेरिएबल, कोई वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो होगी x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप यहाँ चेक कर सकते हो जो a की वैल्यू है वो कितनी होगी 1, ठीक है, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 21, c की जगह मैं बची नहीं तो यहाँ लिख लेता हूँ, और c की वैल्यू कितनी होगी माइनस 100, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वैल्यू जाएगी x इक्वल टू माइनस माइनस 21 मीन्स 21 प्लस माइनस 21 स्क्वायर मीन्स 441 और प्लस 400 अपॉन 2a मीन्स 2, तो हो गया 21 प्लस माइनस 841 बटे 2, तो हो गया 21 प्लस माइनस ये 29 का स्क्वायर है तो 29 अपॉन 2, तो ये आ गया हमारा 50/2 और माइनस 8/2, 50/2 और कॉमा माइनस 8/2 सारे इक्वल टू है ये, ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू आ गई 50/2 और माइनस 8/2, मीन्स एक्स की जो वैल्यू है या तो 25 है या माइनस 4 है, क्या हमारे एक्स की वैल्यू 25 होगी या माइनस 4 होगी।
अब आप देखिए ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है, ऑप्शन में दे रखा है सिर्फ 25, तो ये हमारा ऑप्शन में करेक्ट हो गया है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर। इसको देखते ही अगर ऑप्शन में -4 भी गिवन होता तब भी आप 25 ही आंसर लगाते, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, टू पाइप्स ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड 1.2 मीटर आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेस विदाउट लीविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ पाइप, द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द पाइप पीसेस ऑफ सेम साइज व्हिच कैन बी कट फ्रॉम दिस टू लेंथ विल बी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास दो पाइप है, हमारा पहला पाइप है 1.5 मीटर का, हमारा दूसरा पाइप है 1.2 मीटर का। ठीक है, हमारा 1.5 मीटर का है, हमारा 1.2 मीटर का है। अब ये कह रहे हैं इनको काटा गया और इक्वल पीस में काटा गया, पर ये कह रहे हैं जो काटा गया जो पीस है इसको जिसका लेंथ है सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उस लेंथ को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये भी एक्स यहाँ पे कटेगा कटेगा। ठीक है, तो एक्स 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 एक्स, ठीक है, तो हमारा एक्स फॉर्म में कटेंगे कट रहे हैं ये। ठीक है, तो हमें इनकी जो एक्स की वैल्यू है ये फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो जो हमारा एक्स है 1.5 का फैक्टर है, वैसे जो एक्स है हमारा 1.2 का फैक्टर है, हमने ग्रेटेस्ट लेंथ बोला है तो हमें क्या निकालना होगा, हाइस्ट, और एक एक्स का फैक्टर, तो दोनों का कॉमन फैक्टर है तो हमें निकालना एच सी एफ, हाइस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो जी से डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, तो मैं समय एस सी एफ निकालना है, और एस सी एफ निकालना बहुत आसान होता है, बहुत लोगों को पता है, लगभग 95% बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, या तो हम एस सी एफ निकाल सकते हैं। तो पहले मैं ऑप्शन से चेक करूंगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन वन देखिए, क्या जो 1.13 मीटर है क्या 1.5 मीटर को डिवाइड कर सकता है, नहीं। ठीक है, क्या 0.4 मीटर 1.5 मीटर को डिवाइड कर सकता है, नहीं, पर 1.2 मीटर को कर सकता है। ठीक है, क्या 0.3 मीटर 1.5 मीटर को डिवाइड कर सकता है, हाँ, और 1.2 को भी, हाँ, और जो 0.41 मीटर है वो दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो 0.3 मीटर है वो अकेला ऐसी वैल्यू है जो कि दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो गया। ठीक है, और इसको अब मैं करने जा रहा हूं बेसिक्स से। ठीक, तो ऐसे निकालने के तीन मेथड है, याद रखिएगा, तीन मेथड। ठीक है, तो मैं डिवीजन वाला अपनाता हूं, दो नंबर हमारे पास 1.2 और 1.5, तो मैं 1.2 से 1.5 को डिवाइड करूं तो एक बार में जाएगा तो वैल्यू जाएगी 1.2, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0.3। अब 0.3 से हम इस डिवीजन को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 1.2 को डिवाइड करेंगे तो चार बार में जाएगा तो जाएगा 1.2, और यहाँ पे हमारी वैल्यू होगी 0। तो जो हमारा एस सी एफ हो गया, जो हमारा लास्ट डिविजन होता है वो हमारा एस सी एफ होता है, तो हमारा आंसर हो गया 0.3। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई और एक वैल्यू आती है कोई, मान लो इसका मान लेते हैं यहाँ पे 0.1 बचती, मान लो ठीक है, मानना है, बच नहीं रही है, मान लेते हैं 0.1 बचते मान लो, तो फिर हम 0.1 से 0.3 को डिवाइड करते हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर आ चुका है हमारा, तो 0.1 से 0.3 को डिवाइड करते तो तीन बार में जाता तो 0.3 आता और हमारा आंसर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता। अब हमारा रिमाइंडर 0 आया होता तो हमारा आंसर 0.1 आता। ठीक है, पर देखिए हमारा 0.3 केस में 0 आ चुका है, तुम्हारा 0.3 आंसर आ चुका है। ठीक है, बस आपको बताने के लिए कि जो लास्ट डिविजन होता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, लास्ट डिविजन जिसके जिससे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारा आंसर होता है एच सी एफ में। ठीक है, तो हमारा आंसर भी क्या है, 0.3। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। और एक दूसरा मेथड भी अपना बता देता हूँ आपको, दूसरा मेथड है जो कि मैं अपनाता हूँ इसके अलावा, यहाँ पे लिख लो आप 1.5 को मैं लिख लेता हूँ 150 सेंटीमीटर, आप 120 सेंटीमीटर, ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो 150 और 120 इसको मैं डिवाइड करता हूँ। ठीक है, इनका मैं कोई भी फैक्टर लेता हूँ, यानी कि प्राइम फैक्टर। ठीक है, कोई भी नंबर से डिवाइड कर लो जो कि दोनों को डिवाइड करता हो। ओके, तो आपको यहाँ दिख रहा है दोनों में 0 है, तो आप कर सकते हो 10 से डिवाइड, 10 से कर लो तो बचेगा 15, बचेगा 12। अब कोई नंबर जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, हाँ, 3 से कर लो
पांच और चार, ठीक है। तो जिनका आप देखिए जो पांच और चार आया, ये दोनों को प्राइम है, इन्हों क्या है को प्राइम, मीन्स इन दोनों कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा एचसीएफ होगा, जो हमारा इधर की जो वैल्यू होगी इधर की, वो हमारा एचसीएफ होगी, मीन्स हमारा एचसीएफ हो गया 10 × 3 = 30 cm = 30/100 = 0.3 meter, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये मैंने आपको करने का तरीका बताया। अब इसको प्राइम फैक्टर से भी कर सकते करके देख लो, चाहे 150 120, ये शॉर्ट मेथड है कि आपको जो भी बड़ा बड़े से बड़े वैल्यू दिख रही हो जो कि दोनों को डिवाइड कर सकती हो, अब ले लो। अब डायरेक्ट 30 भी ले सकते थे अगर आपको दिख रही हो तो, अब डायरेक्ट 30 ले तो क्या होता, पांच और चार यहाँ पे को प्राइम आ जाता, यहाँ पे को प्राइम आ जाता, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 30 दिख रहा है, तो जो हमारा एचसीएफ हो गया एचसीएफ इक्वल 30 आ जाता, ठीक है। आप जैसे प्राइम फैक्टर के उससे भी चेक कर लो 150 120 को, ठीक है। तो 2 75 60 3 15 और सॉरी 25 और 20, ठीक है, और 5 5 4, ठीक है। तो जो हमारा एचसीएफ आ गया वो आ गया 2 × 3 × 5, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब इसी में मैं एलसीएम भी आपको सिखा देता हूँ, हमारा एचसीएफ आ गया 30, ठीक है। एलसीएम के लिए इन दोनों को भी जोड़ लो, ठीक है। तो जब एलसीएम हो जाएगा हमारा एलसीएम वो होगा 2 × 3 × 5, ये हमारा एचसीएफ हो गया, इंटू जो हमारे बचे यहाँ पे को प्राइम नंबर 5 × 4, तो ये 60 × 20 = 1200 यानी 12 मीटर, ये हमारा एचसीएफ एलसीएम हुआ था, ठीक है। तो आप इससे आप एचसीएफ भी सीख गए, इससे आप एलसीएम भी सीख गए, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ जनरल ऑफ एन आर्मी wants to create a formation square from 36562 army men. After arrangement, he found some army men remain unused. And the number of such army men remain unused was. ठीक है, दोस्तों जनरल था, है, ठीक है, मान लो हमारा जनरल है, ठीक है, हमारा जनरल है और उसके बहुत सारे आर्मी है, ठीक है, उसको वो स्क्वायर फॉर्म में बनाना चाहता है, वो इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाना चाह रहा है, और यहाँ पे एक एक मेंबर है, एक एक आर्मी मैन है, ठीक है, इसने स्क्वायर फॉर्म में बना दिया, ठीक है। तो हमें इसको स्क्वायर बना देता हूँ, ये हमारे आर्मी बन गई, इसने स्क्वायर फॉर्म में बना दिया, तो हर एक पॉइंट पे एक आर्मी मैन मौजूद है, ठीक है। तो उसने स्क्वायर फॉर्म बना दिया, और उसने ये देखा स्क्वायर फॉर्म बनाने के बाद कुछ आर्मी मैन हमारे बच गए, कुछ हमारे आर्मी मैन बच गए, ठीक है। तो हमें निकालना है कितने बच गए, ठीक है, हमारे पास टोटल कितने, टोटल हमारे पास है 36562, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं 365262 के बाद सबसे पास का स्क्वायर फॉर्म कौन सा होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं करूंगा डिवीजन मेथड, क्या करूंगा डिवीजन मेथड। तो इसको हम लिखेंगे 36562। देखो जब भी हम डिवीजन मेथड करते हैं तो हम पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पॉइंट के लेफ्ट साइड देखो और पॉइंट के राइट हैंड साइड देखो, ठीक है। आपको इतना पता ही है, मान लो कोई भी नंबर लिखाओ आप पॉइंट के साइड लेफ्ट हैंड साइड कितने भी जीरो लिख सकते हो, ठीक है। अगर राइट हैंड जाओ मान लो आप 0.4 लिखा है तो आप राइट साइड कितने जीरो लगा सकते हो, जैसे आपको पता ही है, हाँ। तो इस पता होने की वजह से आपके लिए काम इजी पड़ेगा, क्या जब भी हम क्या बोलते हैं फैक्टर करने आते हैं, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालने आते हैं तो हमें 2 का पेयर चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है 2 का पेयर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मान लो 5.4 लिखा है तो 2 का पेयर कैसे बनाओगे, पॉइंट के लेफ्ट साइड अलग पेयर और राइट साइड अलग पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पे आप 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हो, यहाँ पे 4 अकेला है तो आप 0 एक्स्ट्रा लगा सकते हो, ऐसे पेयर बनाओगे, ठीक है। तो अब ये नंबर देखिए 36562, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड देखिए पहले इन दोनों का पेयर बन गया, फिर इन दोनों का पेयर बन गया और ये सिंगल ले गया, ठीक है। आप जो लगा के भी कर सकते हो तो बात एक ही पड़ेगी, तो इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, ओके, इतना समझ गए। इसके बाद आप 0.00 करके यहाँ पे पेयर लगा सकते हो, फिर यहाँ पे लगा सकते हो, फिर यही लगा सकते हो अगर पूरी तरफ डिवाइड करना चाहो तो, ठीक है। पॉइंट के बाद डबल का पेयर होता है, आप जो लगा सकते हो आराम से,
तो हमारे पास नंबर है 36562, ठीक है। तो हमारे पास ये पेयर बन चुका है 62 का, 65 का और ये 3 अकेला। ओके, तो देखिए हम 3 को डिवाइड करेंगे किसी नंबर से, तो हमें नंबर हमारा जो डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा, तो 1 बन जा 1। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है जो यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट है और जो यहाँ के जो डिजिट है सेम होनी चाहिए, जो ये वाले की डिजिट और ये वाला डिजिट सेम होना चाहिए। तो एक कम एक, अब दो रखते तो दो दूनी चार होता, क्योंकि तीन से बड़ा होता तो एक गलत हो जाता, ठीक है। तो एक एक कम एक, ठीक है, तो डिफरेंस आगे हमारा 2, 6, 5। अब यहाँ पे हम इंटू यहाँ प्लस करेंगे, हम प्लस करेंगे प्लस 1, जो वैल्यू है इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ पर हमारा नया आएगा यूनिट डिजिट, क्या आएगा नया डिजिट, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें, जो कि यहाँ पुट होगी, जो वैल्यू यहाँ पुट होगी वो वैल्यू यहीं यहाँ पुट होगी, और जो कि इससे कम होगी। तो आप चेक कर सकते हो, 26 × 6 चेक कर लेते हैं, 6 × 6 = 36, 6 × 12 = 15, 156 तो बहुत छोटा हो गया। तो आप देख सकते हो 28 × 8 और 8 = 64, 8 × 16 = 22, ठीक है, अब भी छोटा है। 29 भी चेक कर सकते हो, 29 × 9, 9 × 9 = 81 और 9 × 18 = 26। तो हाँ, ये वाला नंबर सकता है 261, जो कि इसके सबसे पास में है, ठीक है। आप जो आप कहोगे कि 26 × 6 को भी कर सकते हो, 28 × 8 भी कर सकते हो, 29 × 9 भी कर सकते हो, लेकिन हमें वो वाला नंबर चाहिए होता है जो कि इसके सबसे पास में होता है, छोटे में। सबसे पास में कौन सा है, 29 × 9, तो हमें 9 पुट करोगे, तो वैल्यू होगी हमारे पास 29 × 9 मीन्स 261, रिमाइंडर बचा हमारे पास 4, ठीक है। और अब हमारे पास अपने 4, 6, 2, तो इसमें हम 9 जोड़िए तो जाएगा 38, और नया डिजिट आएगा हमारे पास, और अब 1 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 3, 8, 2 × 2 करेगा तो 6 कुछ आएगा, जो कि इससे बड़ा, जो कि 4, 6, 2 से बड़ा जाएगा। 3, 8, 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 700 कुछ आएगा, जो कि 400 से बड़ा होगा, ठीक है। 3, 1 × 1 करेंगे हम तो 3, 1, 8, 1 आ जाएगा, और इनके डिफरेंस करो आ जाएगा 81, ये आ गया 81। मीन्स जो हमारा स्क्वायर फॉर्म बन रहा है वो बन रहा है 191 × 191, और जो हमारा रिमेनिंग है वो बचे हमारे 81, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 81, ओके। तो ये बस आपको समझाने के लिए बहुत लेंथी हुआ है, अगर आप इन सब चीजों को समझ जाओगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करूँ, मैं पहले जो वीडियो बनाया था 2016 का, ये मेन्स का, मैं सारे वीडियो पहले बना चुका हूँ, मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया था, मैंने उन्हें क्वेश्चन में कई बार मैं ढंग से नहीं पढ़े थे, तो अब मैं अच्छे से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए हमारे यहाँ पे कितना आंसर आ चुका है, 881, जो कि अनयूज्ड आर्मी मेंस है, और उम्मीद करता हूँ आपको स्क्वायर रूट निकालना भी आ चुका हूँ डिविजन मेथड से, जो कि सबसे सही मेथड है निकालने का, स्क्वायर रूट निकालने का, निकालना अच्छा तरीका है ना। आपको कोई स्क्वायर रूट याद है जो कि किसी पॉइंट वाले नंबर का, हाँ ठीक है मैं लिख लेता हूँ, 4096, आप इसका स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल देखिए, इन दो का पेयर हो गया और इन दो का पेयर हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो 6 से डिवाइड होगा, ठीक है, 6 × 36 आ गया और रिमाइंडर आ गया 4। जो हमारे जो रिमाइंडर होता है दोस्तों हमेशा, ये हमेशा डिविजन से छोटा होना चाहिए, जो हमारा रिमाइंडर होता है हमेशा डिविजन से छोटा होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, ओके। तो 6 × 36 मीन्स 4, अब 6 में 6 जोड़ो तो हो गया 12, ठीक है, जब पॉइंट लगा हुआ तो पॉइंट लगा दो, ठीक है, 4 × 9 = 6 हो गया। अब ये 4 बार डिवाइड जा रहा है, ठीक है, तो 124 × 4 = 496, तुम्हारा आंसर है 0, तुम्हारा आंसर इसका आ जाएगा 40.96 का स्क्वायर रूट 6.4, ठीक है। आपको कुछ और वैल्यू पता है तो मैं यहाँ पे 8.41 लिख लेता हूँ, 8.41, इसका आप करके देख लीजिएगा, ठीक है, इसका वैल्यू मुझे पता है 2.99 आनी चाहिए, ओके। चलिए आप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत फालतू टाइम पर बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4,
the smallest number, this should be added to 756896 so as to obtain multiple of 11. ठीक है, दोस्तों इसको दो तरीके से करूंगा, एक करूंगा बेसिक से, दूसरा बताऊंगा ट्रिक, और ट्रिक में एक प्रॉब्लम है जिसका कि सॉल्यूशन क्या है वही आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नंबर हमारे पास 756896, तो डिवाइड करता हूं 11 से, तो 11 6 66 बचा हमारे पास 9 6, 11 8 88 बचा हमारे पास 8 8, 11 8 88 बचा हमारे पास 0। ठीक है, 9 नीचे आ गया यहाँ पे, तो 11 0 फिर 9 6 हो गया और 11 8 88 तो हमारे पास रिमाइंडर हो गया 8। ठीक है, मीन्स अगर आप 8 में 3 जोड़ दोगे तो बन जाएगा 11, जो 11 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो मीन्स हमारा आंसर हो गया 3। अब मैं करूंगा आपको ट्रिक से, देखो कोई भी नंबर 11 से कब डिवाइड होगा, जो नंबर के ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम इक्वल हो या तो 11 से डिवाइड हो। ठीक है, तो नंबर देखिए हमारे पास ये 7 5 6 8 9 6, 7 यहाँ लिख लो और इसका ऑल्टरनेट क्या हो गया 5, फिर 6 यहाँ लिखो, इसका ऑल्टरनेट 6, फिर यहाँ पे 7 लेंगे 6 लेंगे 9 लेंगे, तो 7 6 9, फिर यहाँ 5 लेंगे 8 लेंगे 6 लेंगे, 5 8 8 6, इनका सम करो 22, इनका सम करो 11 19, इन जो इनके बीच का डिफरेंस है दोस्तों कितना आ रहा है 3, कितना आ रहा है 3। ठीक है, तो जो 3 का 11 से डिवाइड होता है नहीं होता, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, या तो आप इसमें 8 जोड़ दो तो जाएगा 30 - 19 इक्वल टू 11 जो कि 11 से डिवाइड हो, या तो आप इसमें 3 जोड़ दो, ठीक है, तब भी हमारा 11 से डिवाइड होगा। अब आपको क्या समझोगे कि इसमें 8 जोड़ना है कि 3 जोड़ना है। ठीक है, ऑप्शन मत देखिए, और यहाँ पे 8 भी गिवन होता है दोस्तों तब भी एक ही आंसर होता, ऐसा क्यों? ठीक है, ऑप्शन मत जाइए, तो ऐसा क्यों? जब जोड़ोगे दोस्तों, जो भी जोड़ोगे वो इसमें जुड़ेगा, वो 6 में जुड़ेगा, इस 6 में जुड़ेगा, इस 6 में, इस 6 में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 756896, तो इस 6 में जुड़ा के जो जुड़ेगा। ठीक है, ये वाले 6 की वैल्यू कहाँ पे आ रही है? जो ये वाले 6 की वैल्यू ये वाली है, ये 6 है, तो मीन हमें जोड़ना किसमें है? हमें जोड़ना इस 3 को जोड़ना इस 6 के साथ है। ठीक है, तो आप 3 जोड़ोगे इस 6 के साथ, तो जब जो भी नंबर आएगा यहाँ पे सम करके, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 8 कब जोड़ोगे? ठीक है, अगर क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन ये कहता नंबर हमारा होता, मान लो उल्टा लिख देता हूँ, 5 फिर 7 फिर 8 फिर 6, 5 7 फिर 8 6 6 9, मान लो हमें नंबर ये दिया होता 5 7 8 6 6 9। ठीक है, तब देखिए जो 9 जो यूनिट डिजिट है वो किसके साथ है? वो इनके साथ है, 7 6 9 के साथ, 7 6 सॉरी ये वाला 6 नहीं, ये वाला 6, 7 6 9। ठीक है, और 5 8 6। ठीक है, तो जो यूनिट डिजिट हमारा 9 है। ठीक है, मींस जो हमें 8 जोड़ना है, इस 9 के साथ जोड़ना है, तो हमारा आंसर क्या होता है? 8, अगर हमारा नंबर ये होता 7 8 5 7 8 6 6 9। ठीक है, आप चाहो इसको बेसिक से चेक कर लो, आप इसे डिवाइड कर लो 11 से, तो शॉर्ट लिखूंगा, तो 5 7 8 6 6 9, तो 11 5 55, 2 8 11 2 22, बचा कितना 6 6, 11 6 66, बचा कितना 0 6, 11 0 0, बचा कितना 6 9, और 11 6 66, तो बचा कितना हमारा रिमाइंडर 3, हमारा रिमाइंडर 3 बचा। 3 में हम क्या जोड़े? 11 से डिवाइड हो, 3 में 8 जोड़ोगे जो 11 से डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर होता 8। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसमें जो बेसिक है वो भी समझ गए होगे, और जो ट्रिक है वो भी समझ गए होगे, जो प्रॉब्लम है वो भी समझ गए होगे, जो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा वो भी समझ गए होगे। ठीक है, सबको समझ गए तो अच्छी बात है, नंबर आपका ही आएंगे। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।